यहाँ से फोर्ट दिखता है हमारा, और हम यहाँ छोटे से स्टेशन के पास एक कैफ़े टाइप रूम्स है। यहाँ रुके, ये हमारा रूम है, ये हमारा वेटर है जो हमें आज चाय सर्व करने वाला है। भैया मास्क लगाओ। नहीं लगाते, ऐसे बिना मास्क के नहीं चलेगा। चार लोगों में मास्क लगाते हैं, हम 8 लोगों में लगाते हैं। भैया लोगों को ना पैसे ही नहीं देगा। नहीं मत देना, हमको हम तुमको दे देते हैं। सूर्य नमकीन, ये स्टेशन के पास में और ये बहुत ही फेमस दुकान है भाई प्याज की कचौरी की। तो हमको पता चला अपन यहाँ पे आए। ये झालोरी गेट का सर्कल है और देख रहे हैं भैया बढ़िया ट्रैफिक चालू हो गया है। 10 बजे का टाइम हो रहा है। एक्चुअली क्या हुआ क्या, हम रात को थोड़ा सा लेट हो गए जोधपुर पहुँचने में। हमको रात को 3 बज गए पहुँचते पहुँचते। हाय है, देख रहे कितनी खूबसूरत लग रही है लड़की। जैसे जोधपुर आई है ना, उसने बोला कि भाई जोधपुर आके तो मैं ये जोधपुरी लहंगा पहनूंगी। जोधपुरी लहंगा लिया ग्वालियर से है पर है जोधपुरी लहंगा। तो हम आ गए बढ़िया एकदम। अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, बढ़िया प्याज की कचौरी खाएंगे और मास्क निकाल के बोलो ताकि आवाज़ आ जाएगी यार, थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है। आवाज़ आ जाएगी, आ जाना चाहिए ना, आवाज़ आ जाएगी। अभी ये भी आते हैं, आप आ जाएगी आवाज़। क्या अपन को क्या करना है, प्याज की कचौरी खाना है। और यहाँ पे क्या था, एक नया मिर्ची बड़ा, प्याज का मिर्ची बड़ा। अब क्या चीज़ है, मेरे लिए भी पहला नाम है तो अपन खा के देखते हैं। और आपको मुँह पानी आ जाएगा, मेरे तो अभी से आ रहा है। पहले आ जाए मर जाए तो देखते हैं। ओ हो प्याज की कचौरी, देखिए देखिए इसको, देखिए अबे गर्म है, को मर रही है तेल ले ली खाने के लिए। और ये है प्याज का मिर्ची बड़ा। टेस्ट करके बताते हैं भाई कैसा है। भाई तो टेस्ट करके बताना कैसा है। तो ये है पैलेस, ये पैलेस नहीं किला है ये ना, मेहरानगढ़ किला है ये। और क्या जोधा गार्डन, जोधा गार्डन है। और यहाँ पर कहीं तो भी जसवंत ठाड़ा है यहाँ पर इस तरफ। तो अपन जाते समय देखेंगे बढ़िया हो तो। चलो भाई, जय गजानन। हाँ मेटल का लग रहा है, मेटल का लग रहा है। प्रियंका इधर देख, हाँ इसको जैसे बोलो इधर देख तुरंत भड़क जाती है ये लड़की। जैसे मानसिंह में अपना उस टाइप का ही किला है ये। म्यूजियम शायद नहीं है पर किला बहुत देखने लायक है, बहुत सुंदर किला बना है। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको अब जोधपुर आके? बहुत सुंदर जगह है। चलो अच्छा है भाई, मैडम खुश रहे हमारी। तो क्या है ना, हमारे दिनचर्या भी अच्छी चलती है। मैडम खुश नहीं रहती ना भाई साहब, बहुत दिक्कत होती है। बीवी की बुराई किए बिना मेरा दिन नहीं निकलता भाई साहब, आप जानते हो यार, दिन नहीं निकलता मेरा। इधर एंट्री इधर है मैडम। क्या वो क्वेश्चन क्या कह रहा था? मैं कह रहा था अपन चल रहे हैं ना आगे। कहाँ चल रहे हैं अपन? कहाँ चल रहे हैं अपन? कसम चलो चलो, यहाँ से एंट्री करना है, जल्दी बुला रहे हो, अपने यहाँ से हिलना पड़ेगा। दूर करो हमें यहाँ से। पधारो मार्टिस, गाना गाना जरा जोर से, फ्लो में। गाना सही फ्लो में, एक तो ऐसे वो उसके साथ। अच्छा केसरिया पालमा पधारो मारे देश रे, पधारो मारे दे। वाह वाह, बताइए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। प्रियंका बाहर आने कुछ करवाना तुमसे, आ जाओ। हाँ आजा आजा आजा, टेंशन में क्यों आ रही है? बगा बगा आलो, हम लोग को बगा बगा आलो। कुछ तो भी काम करवा के लाओ इस समय ऐसे ही। प्रियंका इधर खड़ी इधर कॉर्नर में खड़ी हो जाओ। ठीक है, यहाँ दौड़ते हुए जाना है, बता रहा हूँ। वो जो और बैठने के बनाया ना सामने, उसके ऊपर बैठना है और बकरी की तरह बैठना है और बकरी की आवाज़ निकालनी है। बकरी की तरह? शाबाश बेटा। दोनों पैरों पे बैठना है, दोनों हाथों दोनों पैरों पे बैठना है और बकरी की आवाज़ निकालनी है। चल जल्दी कर, दौड़ के जाना है, जल्दी भाग जल्दी भाग लेट लतीफी नहीं, दौड़ के चढ़ जा ऊपर, दौड़ के चढ़। हाँ बैठ, हाँ नॉर्मल जैसे वो करते ना अपन कुत्ते बिल्ली कैसे बैठने। जल्दी बैठ जल्दी कर। क्या करना है? बकरी की आवाज निकालनी है। निकाल। लोग तो फोटोग्राफी में लगे हुए हैं, तो बच गई है फिर से। एक क्लिचर कर गया। नारकली गोले होते हैं, बंगली होती ना किटे मुगले आजम का माना यहाँ पे। अच्छा ये पूरा वो कृष्ण गाथा बताइए यहाँ पे। अच्छा कौस्तुभ दिल्ली एक डेयर है, देखो राजस्थानी डांस करना है घूमर यहाँ सेंटर में। मेरे को नहीं आता, करना है डेयर है नहीं तो 500 रुपये दे। डेयर है 500 रुपये या तो राजस्थानी घूमर करना है। घूमर मेरे को नहीं पता, उस दिन देखा ना अपन ने वहाँ रुके थे जैसलमेर में। जल्दी घूमर यहाँ करना है नहीं तो 500 रुपये जल्दी। ऐसे थोड़ी, ये क्या है, ये कौन सा घूमर है? अच्छे से नहीं उस दिन दिखाया तो देखो जैसलमेर लेके गई थी मैं लेके गई थी। देखो ऐसा वाला वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया। ये जसवंत ठाड़ा म्हणून जागा, ये मखाड़ा का ताजमहल समझ लो। जगह देखने लायक है, जैसे जसवंत ठाड़ा बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत वो है और किले से थोड़ा सा अलग है और एक यूनिक प्लेस है जोधपुर का, जो कि मतलब यूजुअली मैं कह रहा हूँ कि मतलब जब आओ तो देखो, मतलब बहुत यूनिकनेस है, बहुत अच्छा ग्रीनरी सा महसूस हो रहा है। गर्मी है थोड़ी अक्टूबर में, नवंबर में थोड़ी ठंड चालू हो जाती है, नवंबर के जनवरी तक थोड़ी ठंड रहती है, तो मज़ा आएगा। देखते हैं रात में। रोशिन भाई क्या चल रहा है? वाह नेचर को क्या अपनी आँखों में बसा रहे हैं। ओहो अपनी आँखों में बसा रहे हैं, वाह मस्त है, रास्ता ही नहीं है। ओहो प्रियंका यार ऐसी जगह पे लेके आती, रास्ता ही नहीं होता। ये बोले कि ऊपर का रास्ता है, घुमा फिरा रही है इतनी गर्मी में। जाएंगे कहाँ से नीचे? कूद के जाए, यहाँ से कूद के जाए, कूद के जाए। नहीं मैं देख रही थी है ना, यहाँ से जीने कूद जाएंगे, कूद के। अच्छा ऊपर रास्ता नहीं है। ओहो यहाँ से कूदना पड़ेगा। जोधपुर में ज्यादा गर्मी है यार, जैसलमेर में भी जरा रात को ठंडे हो गए। राष्ट्रपति भवन जरा दिख रहा है बढ़िया। ये अभी नहीं बनाया ना, पुराना ही है। नहीं हाँ ज्यादा पुराना नहीं लग रहा है। हाँ देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पुराना थोड़ी है। रहते हैं ना यहीं पे, रहते हैं पैलेस पे। अच्छा अच्छा फिर इसीलिए अपने जयविलास पैलेस जैसा है फिर। हाँ तो ये है उमेद भवन और बहुत ही प्यारी जगह दिख रही है। पता नहीं अंदर जाके कैसा है, अब अंदर जाके देखते हैं। पर फिलहाल अभी बहुत शांति है और ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ की। आप देख सकते हैं ग्रीनरी कितनी अच्छी है। सुंदर है, सुंदर है। जोधपुर में अभी मैंने 5-6 जगहें देख ली, पर सबकी सब इतनी सुंदर है ना यार, मन लगता है कि आप जोधपुर आए हो तो बड़ा मज़ा आएगा। तो लेट्स सी, अपन उमेद के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ी सी उंगली करना उसमें, इस वाले में कर। देखो कितनी आदत है उसको उंगली करने की, फ़ोटो खींचने के लिए उंगली कर रही है पागल लड़की। यहाँ आ जाओ, यहाँ अच्छी लाइट आ रही है, तेरे पे अच्छी लाइट आ रही है, वो कर ले। ओह, हस्तकला। उमेद भान की कुल्फी, जो शानदार होम स्वीट वाले की दुकान थी, जैसे यहाँ पे सिर्फ स्वीट नहीं मिलता है, यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। फुल ऑन देसी घी भाई, मतलब इतना ज़्यादा घी रहता है ना कि आप एक अच्छा पराठा के ऊपर खा नहीं सकते। ये देखिए यहाँ का इनका वो भाई लबालब, लबालब घी से लबालब है, शानदार स्वीट होम का लबालब घी से। वो भाई साहब देखो घी गिर रहा है नीचे। देसी घी लवर हो ना तो यहाँ जरूर आओ और खाना खाओ। और मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट खाना खाता हूँ।